बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मायावती का पीएम मोदी पर बयान, कहा आरएसएस छोड़ चुका है पीएम मोदी का साथ। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान देते हुए कहा है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैया डूब गई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ दिया है। मंगलवार को बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने यह बयान दिया है कि मायावती ने कहा पीएम श्री मोदी सरकार की नैया डूब रही। इसका जीता जागता प्रमाण यह भी है कि आरएसएस ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। वह इनकी घोर वादा खिलाफी के कारण भारी जन विरोधी को देखते हुए संघीय स्वयंसेवक झोला लेकर चुनाव में कई मेहनत करते नहीं नजर आ रहे हैं, जिससे श्री मोदी के पसीने छूट रहे हैं। मायावती ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जिन पर चुनाव आयोग कुछ समय के लिए प्रचार पर रोक लगाता है और वह प्रचार तो नहीं करते लेकिन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। मायावती ने कहा कि ऐसे लोगों के मंदिर में जाने को बड़े पैमाने पर मीडिया में कवर किया जाता है, जिस पर रोक लगानी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर कदम उठाने चाहिए। ममता बनर्जी मीम केस, बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को बेल, मांगनी होगी माफी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मीम शेयर करने पर अरेस्ट बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच से सुनवाई के दौरान कहा था कि इस तरह के मीम शेयर नहीं किए जाने चाहिए थे। हालांकि कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में रिहाई से पहले माफी मांगने के आदेश में बदलाव किया है। कोर्ट ने बाद में आदेश को संबोधित किया और कहा कि रिलीज से पहले माफी नहीं मांगनी है बल्कि रिलीज के बाद माफी मांगनी है। कोर्ट ने साथ ही प्रियंका को तुरंत जमानत देने का फैसला किया। प्रियंका ममता बनर्जी का छेड़छाड़ वाला फोटो शेयर करने के आरोप में 10 मई से जेल में है। अदालत ने पहले के आदेश में प्रियंका को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका को जेल से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी से माफी मांगनी होगी। हालांकि बाद में कोर्ट ने प्रियंका के वकील एनके कॉल को बुलाकर अपने आदेश में बदलाव करते हुए उसमें से पहले माफी मांगने की शर्त हटाने और रिहा होने के बाद माफी मांगने की जानकारी दी। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को बताया स्क्रिप्टेड। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी द्वारा अलग अलग दिए गए इंटरव्यू इस पूरे इलेक्शन सीजन में सुर्खियों में रहे हैं। पीएम मोदी का हाल में एक टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू एक बार फिर विवादों में है। इस इंटरव्यू में बालाकोट एयर स्ट्राइक और 80 के दशक में डिजिटल कैमरे और ईमेल के इस्तेमाल से जुड़े पीएम के दावों को लेकर पार्टियों ने तंज कसा था। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि इंटरव्यू का स्क्रिप्ट पहले से तय थी। कांग्रेस की वीडियो का एक हिस्सा ट्वीट किया है। क्लिप में दावा किया गया है कि मोदी ने पहले से तय सवालों के जवाब दिए। वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का टीवी चैनल न्यूज नेशनल को दिया गया इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था। दूसरे ट्वीट में दिव्या ने लिखा कि यहां आप क्या देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 27, दुर्भाग्य से मोदी के लिए यहां बादल नहीं थे, रडार ने इसे देख लिया। क्लिप में दिखाया गया है कि मोदी कुछ पेपर अपने हाथ में लिए हुए हैं। इनमें से एक में हिंदी में कविता छपी है और साथ में ही सवाल संख्या 27 भी दर्ज है। पेपर पर जो सवाल लिखा हुआ नजर आता है, इंटरव्यू पूछने वाले पत्रकार ने भी पीएम से वही सवाल किया था। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।